रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस एकादशी को व्रत रखने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू पंचांग में 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एक महीने में दो बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में आती है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है। माना जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से सभी पाप मनुष्य के खत्म हो जाते हैं। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि चैत्र मास की एकादशी को अन्य मास की एकादशी से ज़्यादा फलदायी माना जाता है, क्योंकि चैत्र मास में ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास की अमावस्या भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है तथा नवरात्रों के पश्चात नववर्ष की यह पहली एकादशी इस बार 23 अप्रैल को है। मान्यता है कि सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल सकती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक पुण्य इस कामदा एकादशी से मिलता है। बता दें कि इस अवसर पर कुछ राशियों के लिए भी यह अच्छा योग बना रहा है और आने वाले समय में ये राशियां अपने जीवन में खूब सारी तरक्की करेंगी। खास बात दोस्तों यह है कि कल सुबह 8:30 बजे के बाद सर्वास सिद्धि योग भी बनने जा रहा है और इसके साथ ही साथ वृद्धि योग और ध्रुव योग भी इस दिन बन रही है। और तो और दोस्तों, यह एकादशी तिथि शुक्रवार को पड़ रही है। शुक्रवार, जैसा कि आप जानती हैं, माता लक्ष्मी जी का वार माना जाता है। और दोस्तों, शुक्रवार का दिन चैत्र मास की सबसे बड़ी एकादशी तिथि और सर्वासिद्धि योग के बनने से इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा खास हो गया है। दोस्तों, अब चलिए आपको हम बता देती हैं कि आखिर वह राशियाँ कौन सी हैं जिन्हें इस दिन से अपने जीवन में खूब तरक्की देखने को मिलेंगी और इस दिन से इन्हें अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करती हैं। दोस्तों, सबसे पहली राशि है मेष राशि। जी हाँ, बता दें कि मेष राशि के लोगों को अप्रैल महीने के अंत तक दोस्तों सबसे पहली राशि है तुला राशि। जी हाँ, बता दें कि तुला राशि के लोगों को इस महासंयोग से बहुत फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ, आपको अपने हर महत्वपूर्ण कार्य में इस दौरान सफलता मिलने वाली है। अटके हुए और बड़े मामलों में आपको इस दौरान सफलता मिल सकती है। आपको अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। संतान का सुख आपको अब मिलने वाला है। पैसों की आपकी वृद्धि होगी। दूसरों की अपेक्षा आप ना करें और देखा देखी इस दौरान बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अगली जो राशि है वो है मेष राशि। जी हाँ, बता दें कि मेष राशि के लोगों को इस महासंयोग से सबसे ज़्यादा फायदा होगा और साथ ही आपको कई सारे शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। पुराने मित्र व संबंधियों से मुलाकात होने की वजह से आप इस दौरान प्रसन्न रहेंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी। अपने जीवन में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए आपको पहले परियोजनाएं बनानी होंगी। इससे आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। आपको आने वाले दिनों में बड़ा फायदा भी मिलेगा। दोस्तों, अगली जो राशि है वो है धनु राशि। जी हाँ,
बता दें कि इस राशि के लोगों को इस महासंयोग से बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको किसी नई नौकरी के लिए ऑफ़र मिल सकता है, इस पर विचार करके ही उस नौकरी को आप ज्वाइन करें। पैसों की स्थितियों में पहले से भी अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। व्यापार और कारोबार में भी इस दौरान आपको लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। जी हाँ, बता दें कि मिथुन राशि के लोगों को इस महासंयोग से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। थोड़ी कोशिश करने से आपको बड़ा फायदा मिलेगा। कार्य की आपकी सिद्धि होगी और कार्य की प्रशंसा भी होगी। धन प्राप्ति आपकी सुगम होगी। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी। सूर्य और चंद्रमा की छाया आप पर बनी रहेगी। इससे आपके जीवन में कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। आपको बहुत ज़्यादा पैसों का लाभ इस दौरान होगा। आपके सारे रुके हुए काम पूर्ण होंगे। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि आप लोगों का इस दौरान समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। सरकारी कामकाज में कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको अब छुटकारा मिल सकता है। संतान के करियर को लेकर आपकी अब सभी चिंताएं समाप्त होंगी। आपको कार्य क्षेत्र में सुखद अनुभव प्राप्त होगा। पुरानी संपत्ति में चल रहा वाद विवाद आपके अब खत्म होगा। आपका निजी जीवन काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। घर परिवार में आपकी शांति बनी रहेगी। आपकी आमदनी में भी इस दौरान वृद्धि होगी और सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। आप लोगों के प्रेम संबंधों में इस दौरान मजबूती आ सकती है। आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। दोस्तों, अगली राशि है मकर राशि। बता दें कि आप लोगों को अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम अब बहुत ही जल्द मिलने वाला है। जी हाँ, सभी परिणाम आपके कार्यक्षेत्र के पक्ष में होंगे। आपके कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव रहेगा। आप लोग सभी क्षेत्रों में सफलता को प्राप्त करोगे। आपके सभी दुख कष्ट अब समाप्त हो जाएंगे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी वाणी पर संयम रखें और अपने गुस्से पर काबू रखें। दोस्तों, अगली राशि है कुंभ राशि। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि इस समय आप किसी अच्छे क्षेत्र में निवेश कर सकती हैं, जिससे कि आर्थिक लाभ आपको होगा। इस दौरान आप अपने जीवन की बाकी चीज़ों का आनंद लेने के लिए अपने आप को एक सही स्थिति में पा सकती हो। बता दें कि करियर में आगे बढ़ने के आपको इस दौरान कई सारे मौके मिलेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की सराहना होगी। आपकी नौकरी से जुड़ी सभी समस्याएं अब खत्म हो जाएंगी। आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए कई सारे मौके मिलेंगे। आप लोग अपने जीवन में अधिक प्रगति करते हुए अब दिखाई देने वाले हैं। आपके प्रत्येक कार्य अब आसानी से पूरे हो जाएंगे। आपके सभी बिगड़े हुए कार्य तेज़ी से बनेंगे। इस दौरान आप शेयर बाज़ार में भी निवेश कर सकती हैं, जिसमें आपको अधिक फायदा हो सकता है। इस दौरान पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध स्थापित होंगे। आपका वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।